हरे कृष्णा डार्क्स एंड डेजर्ट्स में स्वागत है सबका। क्रिसमस और न्यू ईयर तो बहुत जल्द आने वाला है और हम सब चॉकलेट्स पसंद करते हैं, तो इस बार हम क्रिसमस ट्री चॉकलेट बनाएंगे। क्रिसमस ट्री को हम खा भी सकते हैं, एडिबल क्रिसमस ट्री। और उसके लिए मैं ये नंदी का कंपाउंड यूज़ करने वाली हूँ। ये नंदी का स्विस कॉफ़ी फ्लेवर्ड कंपाउंड है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, सब लोग ट्राई कीजिएगा। और काफ़ी सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, जैसे बटर स्कॉच, मैंगो, रोज, कैरमल। मैंने कुछ फ्लेवर्स लिए हैं जिसमें से एक ये है, स्विस कॉफ़ी फ्लेवर्ड कंपाउंड। और मैं इसके लिए ये क्रिसमस ट्री मोल्ड यूज़ करने वाली हूँ जो पीवीसी से बना हुआ है। प्लास्टिक मोल्ड है, सिलिकॉन मोल्ड भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। ये देखिए, ये है नंदी ब्रांड का स्विस कॉफ़ी फ्लेवर्ड कंपाउंड। अब इसी से हम बनाएंगे हमारा क्रिसमस ट्री चॉकलेट। इसके लिए मैंने इसका 1/4 हिस्सा लिया है और इसे हम बारीक चॉप करेंगे। ये पैकेट जब ओपन किया ना, तो कॉफ़ी की इतनी अच्छी खुशबू थी कि मेरा घर है ना कॉफ़ी की खुशबू से महक उठा। अभी कंपाउंड बहुत ही सॉफ्ट था क्योंकि मैं कंपाउंड को हमेशा रूम टेम्परेचर में ही स्टोर करती हूँ। कंपाउंड के टुकड़े करने के बाद इसे मैंने डबल बॉयलर से मेल्ट किया है। मैं हमेशा डबल बॉयलिंग मेथड ही प्रेफर करती हूँ। आपको चाहिए तो आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। चॉकलेट को अच्छे तरह से मेल्ट किया है और इसे टेम्पर करना है। टेम्पर करना का मतलब होता है चॉकलेट को रूम टेम्परेचर में लेकर आना। एकदम ठंडा भी नहीं करना है, एक हल्का गर्म होना चाहिए चॉकलेट, ताकि हम लोग इसे इजीली मोल्ड में पोर कर सकें। अभी क्रिसमस ट्री मोल्ड काफ़ी सारे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया है, सिलिकॉन के भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। कंपाउंड को मैंने मोल्ड के अंदर डाल लिया है। हमें इसे पूरी तरह से भरना है। आपको चाहिए तो कंपाउंड डालने के बाद इसके ऊपर आप स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है। कंपाउंड को अच्छे से डालने के बाद हम मोल्ड को टैप करेंगे। टैप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें कोई एयर बबल है तो वो ऊपर आके बर्स्ट हो जाए, नहीं तो क्या होगा, जब हम डीमोल्ड करेंगे तो चॉकलेट में बीच बीच में आपको ऐसे खड्डे, स्मॉल होल्स दिखने लगेंगे। तो ये देखिए, कंपाउंड को मैंने डाल लिया है और अभी मोल्ड को मैं अच्छे से टैप करूँगी ताकि जितने भी एयर बबल्स है वो ऊपर आके बर्स्ट हो जाए। टैप करने के बाद हम मोल्ड को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, या फिर जब तक वो सेट नहीं होता तब तक। मैं हमेशा फ्रिज में रखना प्रेफर करती हूँ, फ्रीज़र में नहीं। ये देखिए, मैंने मोल्ड को डीमोल्ड भी कर लिया है और क्रिसमस ट्री का शाइन देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है इसका भी, सिलिकॉन में भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है। अभी इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने मेल्टेड कंपाउंड से ऊपर एक छोटा सा स्टार का शेप है, उधर थोड़ा सा कंपाउंड लगा दिया है और वहाँ पे स्टार शेप का स्प्रिंकल लगाया है मैंने। ये देखिए, आप चाहिए तो गोल्डन कलर का भी आता है, वो भी लगा सकते हो। आप इसमें शुगर बॉल्स भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसे एकदम मिनिमम ही रखा हुआ है क्योंकि शुगर बॉल क्या हो जाता है, हम जब पैक करते हैं ना तो वो बॉल्स निकल जाते हैं, स्टार वही शेप में चिपका हुआ रहता है। तो ये देखिए, हमारा क्रिसमस ट्री बनके रेडी हो गया है। तो किस किस को अच्छा लगा मेरा ये क्रिसमस ट्री? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये देखिए, हमारा चॉकलेट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, क्रिसमस ट्री, कॉफी फ्लेवर का क्रिसमस ट्री। अब ये क्रिसमस ट्री जाने वाला है मेरे क्रिसमस हैम्पर में। आप लोग भी अपना हैम्पर जल्दी से बुक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।